उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार भ्रमण पर आए राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण अतुल गर्ग द्वारा जिला अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर का बारीकी से निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने सर्वप्रथम ट्रामा सेंटर उसके बाद जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद के प्रसूताओं के वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद के कार्यरत रहे स्वर्गीय अपूर्व शर्मा के परिजनों ने निष्पक्ष जाँच हेतु ज्ञापन दिया। वहीं चाणक फाउंडेशन के डॉक्टर अखिलेश शर्मा एवं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर उपाध्याय द्वारा स्वर्गीय अपूर्व शर्मा की जांच में ढील मिल व्यवस्थाओं को लेकर एवं अन्य शिकायतों को लेकर भी ज्ञापन दिया गया, जिस पर मंत्री जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है, इसकी जांच कराकर ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं गेट नंबर 2 न खुलने को लेकर सवाल किया तो मंत्री जी द्वारा अच्छा कार्य कहते हुए जवाबों को टालते नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता व विकास पालीवाल द्वारा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा को हटाने की आवाज बुलंद की गई तो जिला अधिकारी के आदेश पर उनको चुप करा दिया गया। इस पूरे निरीक्षण के दौरान थाना उत्तर प्रभारी नीरज मिश्रा द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ तो पढ़ाया गया, लेकिन जिले के ही आला अधिकारी एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा सोशल डिस्टेंस की खूब धज्जियां उड़ाई गयी। इस मौके पर फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन जादौन, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, नगर विधायक मनीष ससीजा, सिकोआबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा सहित प्रशासन में जिला अधिकारी फिरोजाबाद चंद्र विजय सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के दीक्षित, एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर पंकज, उप जिला अधिकारी व सीओ सिटी के साथ प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता अनेजा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आलोक कुमार के अलावा अन्य चिकित्सा अधिकारी भी व कर्मचारी उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से शैलेश झा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। यहाँ की प्रिंसिपल मैडम संगीता अनेजा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, शहर को बचाने के लिए मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता अनेजा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। बाद में स्वास्थ्य सेवाएं हैं कहीं वो प्रभावित तो नहीं हुई है, खास तौर से एमरजेंसी उसे देखने के लिए। मैंने अभी वार्ड का दौरा किया है, मैंने बहुत सारी माताओं से बात की जिनको ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, बच्चा हुआ है। सभी माताओं ने ये कहा कि खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, चादर रोज चेंज होती है और कोई पैसा किसी माता बहन से लिया नहीं। जिन बच्चों को कमजोरी है उनके लिए अलग वार्ड व्यवस्था इंतजाम उनकी देखभाल हो रही है। तो कोविड के अंदर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ना केवल वो वहाँ पर भी संघर्ष करके सेवा कर रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह काम कर रही हैं। यहाँ पर आकर के मुझे बड़ी संतुष्टि मिली है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। मेरे को अभी बहुत सारी चिट्ठियाँ शिकायतों की मिली हैं, ठीक है, अभी तो इसके अंदर मैं उसको देख लें और उसके बाद ही मेरी टिप्पणी करना उचित रहेगा। का इलाज होना चाहिए, ऐसे आदेश माननीय मुख्यमंत्री सर। जिस तरह लापरवाही, लॉकडाउन में आप बाहर निकले हैं, आखिर क्या कारण हुए हैं? इसी कारण से निकले हैं कि कुछ जगह से ये शिकायत आई प्रदेश में कि ये शिकायत आई कि कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है, सामान्य मरीजों का इलाज जो गंभीर इलाज है वो नहीं हो रहा है। तो गंभीर इलाज की जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू हो, उसके लिए सभी मंत्री पूरे प्रदेश में बोल दी गई। आप क्या लगते हैं? अरे कोई अच्छा काम हुआ, कोई अच्छी बात है? नहीं नहीं, तो नहीं होती। देखिए छोटी छोटी कमियां मिली हैं, इस समय हमारे को मुख्य रूप से ये चीज़ देखनी थी कि उन कमियों को कैसे दूर करा जाए, वो दूर करी जाएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी मरीज ने असंतोष जाहिर नहीं किया, और मैं आप सब लोगों से भी ये निवेदन करूँगा कि आप भी मरीजों से मेरे जाने के बाद बात करें।